Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSS Hisar. तो my dear students, हमने अपने last video में किया था business services. बहुत सारी type की business services होती हैं जिसमें हमने एक पढ़ा था banking के बारे में. आज हम दूसरी business service के बारे में चलते हैं, that is insurance. तो चलिए insurance पर बात करते हैं कि क्या है insurance. लेकिन उस पर बात करने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे. हम पढ़ेंगे आज मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही साथ हम उसके प्रिंसिपल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए देखिए लाइफ हमारी क्या है. इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. हर चीज़ अनिश्चित है, कोई भी चीज़ की निश्चितता नहीं है. किसी चीज़ को आप सर्टेन नहीं कर सकते. आज इंसान है, कल नहीं है, है ना, कुछ नहीं है हमारा. अब बना बनाया हमारा घर है, यहाँ पे देखिए आपको पिक में दिख रहा है, लेकिन अब एकदम से उस घर में आग लग जाती है अचानक से, कोई इसकी सर्टेनिटी नहीं है. इसी तरह से ये जंगल दिखाया गया है, जंगल में कई बार आग लग जाती है. आपने देखा होगा कि कितने जीव जंतु मर जाते हैं, कितनी बुरी हालतें हो जाती हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है ना. इसी तरह से चोरी का, डकैती का, इन चीज़ों का भी रिस्क काफ़ी रहता है. हमें नहीं पता हम कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आ जाए अचानक से. बैंक में रोबरी हो जाती है, घर में चोर घुसकर सामान लूट कर ले जाते हैं, तो ये भी हमारे ज़िंदगी में एक जोखिम है. इसी तरह से एक सुनामी का रिस्क है कि जैसे जो समुद्र में लहरें तेज उठकर और वो इतना नाश कर देती हैं, है ना, कितना जीवन ख़त्म कर देती हैं, बिल्डिंग्स हो जाती हैं ख़राब. देखिए जैसा आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है, तो आप जो देखेंगे कि ये तो जस्ट एक कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है. तो ये कुछ एक एग्जांपल हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में मतलब कि बहुत सारी की सारी अनिश्चितताएँ हैं. इसी तरह से अगर हम ह्यूमन लाइफ को देखें तो इंसान की ज़िंदगी में आज है कल नहीं है, वो तो है ही है. उसके अलावा भी अनसर्टेनिटी है. उसके अलावा क्या अनसर्टेनिटी है हमारी, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया या पैर में फ्रैक्चर हो गया, कोई व्हीलचेयर पे बैठ इतना तक वो हो गया कि वो चल ही नहीं पा रहा है, तो डिसेबल्ड हो गया है ना. तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अनिश्चितताएँ हैं. हमें नहीं पता कि आज हम कैसे हैं और कल हम कैसे होंगे. हम कुछ भी इस चीज़ के बारे में निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते. तो इसको कराने के लिए कि हम फ्यूचर को थोड़ा सा सर्टेन करना चाहते हैं, अब देखिए ह्यूमन लाइफ है, उसको तो हम रोक नहीं सकते. वो जीना मरना तो भगवान के हाथ में होता है, ठीक है ना, उसको ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन आग है, चोरी है, डकैती है, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं. अब जैसे देखिए कि बिल्डिंग्स बनी होती हैं, वहाँ पे आग को अगर बाय चांस आग लग जाए तो उसके लिए एक यंत्र लगे होते हैं कि, है ना, स्प्रे की बॉटल्स पड़ी होती हैं कि अगर आग लग जाएगी तो इमीडिएट वो स्प्रे की बॉटल्स वहाँ पे तैयार हैं कि आप वो स्प्रे कर दीजिए. तो ये एक हमारी क्या है कि हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. इसी तरह से कि अगर हमारा किसी का एक्सीडेंट होने का डर है तो हम एक्सीडेंट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी तरफ से बचाव करने की कोशिश करते हैं. बचाव हम कैसे करते हैं कि हम सावधानी से चलते हैं. लेकिन उसके साथ साथ भी फिर भी हमें नहीं पता, कई बार हमारी गलती नहीं होती है, इवन देन फिर भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है. तो वो जान माल की हानि के लिए कि कल को थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक पैसे की सिक्योरिटी बनी रहे, बचाव रहे, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, बीमा. मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक किस्म से एन इंश्योरेंस और बीइंग इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉस, कि जो इंश्योरेंस जो लॉस है उसके खिलाफ जो हमने बीमा करवा लिया है. यहाँ पे एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जिसमें हमने अपनी सुरक्षा की हम गारंटी ले रहे हैं उनसे, काफ़ी हद तक वो हमारे को उस चीज़ की दे रहे हैं. अब जब वो हमारा रिस्क कवर अप कर रहे हैं, उसके बदले वो कुछ ना कुछ पेमेंट तो चाहेंगे. जो वो पैसा हम उनको कोई भी काम फ्री में नहीं करता ना,
तो जो पैसा हम उनको देंगे वो पैसा क्या कहलाता है बच्चों? प्रीमियम कहलाता है। ठीक है, कि वो हमारा रिस्क ले रहे हैं और बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? प्रीमियम दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसके इंश्योरेंस के क्या मतलब हुआ, ए सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस इन विच ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एग्री टू पे सर्टेन सम्स पीरियडिकली, कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लॉस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं, कुछ राशि दे रहे हैं जिसे हम प्रीमियम बोल रहे हैं। ठीक है, वो समय समय पर, चाहे वो मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअली है, वॉट एवर, तो वो देते हैं और बदले में उन्हें क्या मिलता है? फॉर ए गारंटी दैट दे विल बी कंपनसेटेड अंडर स्टिपुलेटेड कंडीशंस फॉर एनी स्पेसिफाइड लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट, डेथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो किस चीज़ के लिए आपकी गारंटी चाह रहे हैं? कि अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस कराया तो अब आग लग गई तो आपको आग के बदले भी मिलेगा, एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के बदले भी मिलेगा, नहीं, वो अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं, उनके बारे में हम बाद में फर्दर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि उन चीज़ों से आपको गारंटी दी जाती है कि भाई ठीक है, आपको कंपनसेट किया जा सकता है। देखिए, किसी को पूरा तो हम नहीं कर सकते कवर अप, लेकिन हाँ कंपनसेट जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंपनसेट किया जाता है कि अगर कोई लॉस बाय फायर है या लॉस बाय एक्सीडेंट है या डेथ हो जाती है, तो बदले में कुछ ना कुछ आपको पैसा, जो भी आपको नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं मेजर करके और आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी एक डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सर विलियम बेवरेज द कलेक्टिव बेयरिंग ऑफ रिस्क इज इंश्योरेंस। वो कहते हैं कि सामूहिक जो जोखिम है, जोखिमों को सामूहिक सहन करना ही, वहन करना ही क्या है? हमारा बीमा है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विद्वान हैं, वो अपने ढंग से अलग अलग चीज़ बताते हैं। इसी तरह से एक हैं अकॉर्डिंग टू जस्टिस टिंडल, उन्होंने क्या बताया? इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ सम ऑफ मनी इज पेड बाय द अश्योर्ड इन कंसिड्रेशन ऑफ इंश्योरर्स इनकरिंग द रिस्क ऑफ पेइंग ए लार्ज सम अपॉन ए गिवन कंटिजेंसी। अब वो भी क्या चीज़ बता रहे हैं? वो भी यही चीज़ कहते हैं कि जो इंश्योरेंस है ना बच्चों, वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या है कि जिसको आप अश्योर कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं भाई हाँ ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे या हम तुम्हारा बचाव करेंगे, तुम्हें कंपनसेट किया जाएगा। तो वो क्या कर रहा है कि भी क्योंकि सामने वाली पार्टी ने आपका रिस्क सहन किया है, अब सामने वाली पार्टी आपका रिस्क सहन करे, इसके बदले में जो अश्योर्ड पर्सन है वो आपको क्या दे रहा है? कुछ मनी पे कर रहा है, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रीमियम। ठीक है, तो एक लास्ट सम जो दे रहा है कि भी अगर ऐसी कोई घटना हो गई, जिस चीज़ के लिए भी कराया गया है, अगर फायर के लिए कराया गया तो फायर के लिए, एक्सीडेंट के लिए कराया गया तो एक्सीडेंट के लिए, कि मीन्स जो कोई भी घटना अगर घटित हो जाती है तो वो उसके जो उनका रिस्क है वो सामने वाली पार्टी वहन करेगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इंश्योरेंस क्या होता है। चलिए लास्ट इसकी कंक्लूसिव डेफिनेशन हम करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि पहले बच्चों मीनिंग करिए हमेशा, फिर डेफिनेशन करिए, और एट लास्ट उसका एक कंक्लूजन जरूर दीजिए कि कंक्लूजन क्या है उसका। तो कंक्लूजन क्या है? इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड कंसिडरेशन वन पार्टी प्रोमिसेस टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट आइदर एट द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और एट द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। अब ये इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे भी वही कि एक बात तो आ ही रही है निकल के कि क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक आप फिक्स कंसिडरेशन के बदले में एक पार्टी दूसरे को क्या दे रही है? फिक्स अमाउंट दे रही है कि अगर आपका ऐसी कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट हो गया या एक सर्टेन पीरियड, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होता है, अब या तो जो डेथ हो जाती है किसी पर्सन की उसमें उसको पैसा देना होगा, या डेथ नहीं होती है तो एक कुछ सालों के लिए फिक्स होता है, कि कई बार जो कुछ केसेस होते हैं कि 15 साल के लिए है, 20 साल के लिए, तो एक सर्टेन पीरियड जब निकल जाएगा तो वो पैसा आप लोगों को क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो बच्चों आई होप आपको इंश्योरेंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा, और रहा सहा अब आपको समझ में आ जाएगा फीचर्स के साथ साथ। तो चलिए इंश्योरेंस की फ़ीचर्स करते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन में से ही फ़ीचर्स निकल आती हैं। तो पहली फ़ीचर हमारे सामने क्या है? टू पार्टीज़, कम से कम दो पार्टी होंगी, है ना, एक करने वाला और एक बीमा जिसका किया जा रहा है। ठीक है,
अब मान लीजिए कि जो बीमा कर रहा है मींस जो अपने ऊपर रिस्क ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इंश्योरर। और जिसका बीमा किया गया है, किया जा रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड। ठीक है, तो दो पार्टीज हो गई, एक बीमा करने वाला और एक बीमा करवाने वाला। सेकेंड चीज क्या आती है, बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। यहाँ पे सद्भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि सद्भावना का मतलब कि सद्विश्वास, आपको जितने भी फैक्ट्स हैं उस चीज़ से रिलेटेड आपको सारे के सारे बता देने चाहिए। मीन्स आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो सर आपका जो कंपनी है वो इसलिए कर रही है, भी आप ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है या एक सर्टेन पीरियड के बाद, दैट कंपनी विल पे यू लमसम मनी, है ना। तो उसमें अगर आप बाई चांस किसी ऐसी क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हैं, लाइक आपको कैंसर है, आप स्मोकिंग करते हैं, तो आपने वो बात छुपा ली और आप कहते हैं कि भाई ठीक हूँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ और मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए, तो ये कम्प्लीटली क्या है, रोंग है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में क्या कहा जाता है कि अटमोस्ट गुड फेथ जरूर होना चाहिए। तीसरी क्या चीज़ आ जाती है बच्चों, बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। हम एक किस्म से कह सकते हैं कि सहकारिता के सिस्टम पर बेस्ड है। सहकारिता के सिस्टम पर कैसे है, आप लोगों ने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किया था, सहकारी समितियाँ, है ना। उसमें क्या एक नारा दिया जाता है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। उसमें लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी जो सेविंग्स हैं या छोटा थोड़ा थोड़ा रुपया लगा के अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा भी है बना ली, और फिर वो एक इकट्ठा सामान लेकर आते हैं और फिर उन्हें अपने जो भी उनके मेंबर्स होते हैं उन्हें चीप रेट पर वो दे देते हैं, तो उससे उन्हें फ़ायदा हो जाता है ना। इसी तरह से यहाँ इंश्योरेंस में भी है। अब यहाँ कॉरपोरेशन की बात कैसे आ गई, आपका लाखों रुपए की चीज़ है, आपने अपना प्रीमियम दे रहे हो। अब आप प्रीमियम मान लीजिए कि आपका 50 लाख का मकान है और आप लाख रुपए जो है हर साल प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है। अब लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हो, अगर आपके मकान को भगवान ना करे कि कुछ हो जाता है तो कंपनी आपको कितना देगी, 50 लाख रुपए। तो यहाँ पे कोई कंपनी पागल थोड़ा है, लेकिन नहीं, कंपनी ने यहाँ पे कौन से सिस्टम पर बेस्ड है, कोऑपरेटिव सिस्टम पर बेस्ड है। वो जैसे आप अकेले नहीं हैं इंश्योरेंस कराने वाले, तो वो सब लोगों का इंश्योरेंस कर रही है, हर जगह से थोड़े 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 पैसे आते चले जाएंगे। लेकिन मिस हैपनिंग तो सबके साथ नहीं होती ना, मिस हैपनिंग तो बाई चांस किसी के साथ हो सकती है, सबके साथ नहीं हो सकती। तो जिसके साथ भी मिस हैपनिंग हो गई, इंश्योरेंस कंपनी को सबको पैसे नहीं देने, लेकिन सबका पैसा उनके पास इकट्ठा है और वो इस पैसे से जो इकट्ठा हुआ हुआ अमाउंट है वो उससे जिसके साथ मिस हैप हुआ है वो उसको पैसा दे सकती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम। फिर नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। अब आपको यहाँ पे किस चीज़ से फ्री किया जा रहा है, जो जोखिम आप सोच रहे हो, आपको लगता है मेरा घर आग लग सकती है, मेरे घर में फ्लड में बह सकता है, आपने अपना इंश्योरेंस कंपनी को वो रिस्क दे दिया। अब आपको आपको दिक्कत नहीं है ना, बाय चांस कुछ हो भी जाता है, नुकसान हो भी जाता है, तो उसे कौन पे करेगा, उसे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। अब आपने यहाँ पे अपना रिस्क तो कर ही दिया चेंज, है ना, रिस्क से तो आप फ्री हो ही गए, लेकिन आपने साथ ही साथ जो आपको लॉस लग रहा था, एक्सपेक्टेड लॉस था, उसको भी आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो मींस आपका जो होने वाला लॉस था वो किसको ट्रांसफ़र हो गया, इंश्योरेंस कंपनी को। फिर नेक्स्ट आती है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। कोई भी काम फ्री में नहीं करता, है ना, आप भी कुछ काम करते हो तो चाहते हो कि बदले में कुछ दिया जाए आपको। अब जैसे आपकी मम्मा आपको बोलती हैं कि आप घर का ये काम कर दो या कोई और काम कर दो, तो बदले में आप कोई ना कोई फेवर तो उठा ही लेते हो कि मेरी ये बात मान लो, फिर मेरी ये बात मान लो, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी में हो जाता है कि वहाँ पे अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने कुछ पैसा उनको पे करना है
हर साल आप इंस्टॉलमेंट्स में, जैसा मैंने अभी बताया, मंथली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं, एनुअली हो सकती हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रीमियम। तो आपको वो प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है। वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक प्रकार का नहीं है। लाइफ के लिए होता है तो लाइफ इंश्योरेंस, आग के लिए होगा तो फायर इंश्योरेंस, है ना, समुद्र के लिए होगा तो मैरिन इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस, चोरी डकैती से बचने के लिए हो रहा है तो बर्गलरी इंश्योरेंस हो गया, मीन्स जिस जो है उसी टाइप का वो हो जाता है। नेक्स्ट आता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अक्सर ये होता कब है इंश्योरेंस कि जब आपको क्या कब मिलेगा पैसा, जब कोई इवेंट हो जाता है, आपने आग लगने के लिए कराया है तो जब अगर आग लगेगी लॉस होगा तभी होगा, तभी वो इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगला है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है? देखिए, आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं अनसर्टेन था, आप उसे सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, मींस कि आपने अपना एक इंश्योरेंस करवा लिया है। अब आपने अपना मान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, पता नहीं आपकी ज़िंदगी कितने की है कितनी नहीं है, आपने करवा लिया कि भाई 20 साल के लिए करा लिया, अगर 20 साल में मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा, भाई इसके लिए इंश्योरेंस आपने करवा लिया, और अगर नहीं होती है तो आफ्टर 20 ईयर्स आपको फिर भी अमाउंट मिलेगा। तो अब उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, हर साल थोड़ा पे कर रहे हैं प्रीमियम के तौर पर। तो अब यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या मिल गया कि एक तो फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिक्योरिटी हो गई, कि जो आपके पीछे घर वाले हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, और साथ ही साथ क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ डाल भी रहे हो तो वो आपकी एक किस्म से क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। एंड द लास्ट इज ऑनरशिप नॉट कंपल्सरी। जरूरी नहीं है कि जो आपकी संपत्ति है आप उसी का बीमा कराएंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई एजेंट है वो अपने मालिक के लिए करवा सकता है, आपके पास किसी की प्रॉपर्टी एज ए मॉर्गेज रखी है तो आप भी उस प्रॉपर्टी का करा सकते हैं क्योंकि अब फिलहाल आपका ही उस पे अधिकार है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑनरशिप होगी तभी कराओगे, वैसे भी आप इसको करवा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के सिद्धांत। अब प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? ये वो प्रिंसिपल्स नहीं हैं कि जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, नहीं, ये होते हैं सिद्धांत। स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखिएगा इसमें, अक्सर बच्चे गलत स्पेलिंग लिख देते हैं और वहाँ पे उसका मतलब बन जाता है कि जो स्कूल प्रिंसिपल है या आपकी कॉलेज प्रिंसिपल है उनके आप प्रधानाचार्य के आप स्पेलिंग लिख देते हैं, तो आपको स्पेलिंग जरूर ध्यान देना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट अडोप्टिड बाय द स्टेक होल्डर्स इन द इंश्योरेंस बिजनेस। ये एक ऐसी रूल्स हैं या आप कार्यवाही कह सकते हैं या एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जो भी इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं वो लोग फॉलो इसको करते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, आइए चलिए हम एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला है अटमोस्ट गुड फेथ। अभी जैसा हमने अपनी उसमें भी डिस्कस किया था फीचर्स में भी, क्या था ये कि जो दोनों ही पार्टीज़ हैं, चाहे वो इंश्योरर, इंश्योरर मींस जो बीमा कर रहा है, इंश्योर्ड जिसका बीमा किया जा रहा है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में जब आते हैं तो गुड फेथ में होना चाहिए, मींस दोनों जनों को एक दूसरे को सारी की सारी उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो बता देना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि जॉन एक पर्सन है, वो क्या करता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है। अब जब उसने पॉलिसी ली तो वो एक स्मोकर था, लेकिन उसने ये फैक्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया। अब बाद में उसको स्मोकिंग करने के कारण कैंसर हो गया। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो उसको जॉन को कोई पैसा नहीं देगी। क्यों? जब उसे ये पता चलेगा क्योंकि जॉन जो था वो स्मोकर था, उसकी वजह से कैंसर हुआ, तो वो उसको पैसा नहीं देगी क्योंकि फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो उसने थे वो छुपाए थे। तो दोनों ही पार्टीज़ में क्या होना ज़रूरी है? गुड फेथ। आपको कोई भी मैटर छुपाना नहीं है, आपको हर चीज़ अच्छे से डिस्क्लोज कर देनी चाहिए जो इंश्योरेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में। नेक्स्ट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा हित। अभी जैसे मैंने बताया कि जो इंश्योर्ड पर्सन है, इंश्योर्ड मींस जिसका बीमा किया जा रहा है,
उसका उसमें बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित का क्या मतलब है कि मतलब कि जिस चीज़ का आप बीमा करवा रहे हो, अगर उस चीज़ को नुकसान होता है तो उससे आपको भी नुकसान हो रहा है, और अगर जिस चीज़ का आप बीमा करवा रहे हैं अगर उससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो उससे सीधा सीधा आपको भी फ़ायदा होता है। अब जैसे देखिए कि स्पाउस हैं, स्पाउस मीन्स हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। वाइफ को कल को कुछ हो जाता है तो फिर हस्बैंड को नुकसान होगा ना, उसकी लाइफ में से ख़त्म हो गया। इसी तरह की से वाइफ का अपनी हस्बैंड में हो सकता है, डिपेंडेंट्स में हो सकता है, एक दूसरे में होता है। एक कंपनी है, कंपनी में इम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं तो कंपनी के मालिक का उनमें हित हो गया, क्योंकि कल को कंपनी के इम्प्लॉइज़ को कुछ हो जाता है तो कंपनी को भी तो नुकसान हो रहा है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या चीज़ें हैं हमारी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है आपको, कि जैसे लाइफ अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको जब आप करवा रहे हैं उस टाइम आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मैरिड है तो आपका दोनों टाइम में होना चाहिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ में एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट ऑल्सो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब ये क्या चीज़ है, वो ये कहता है कि आपने बीमा करवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ से प्रॉफिट अर्न करोगे, नहीं, प्रॉफिट आप नहीं अर्न कर सकते। हाँ, आपने बीमा करवाया है, आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लॉस को कवर अप करेंगे और उसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो एक किस्म से इंडेमनिटी कहती है कि वो आपने गारंटी दी है कि ठीक है, अगर किसी का एक्सीडेंट होना था आप भी गारंटी दे दी कि कल को लॉस होगा तो कंपनी उसको पे करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता। अब जैसे देखिए इंडेमनिटी वाले प्रिंसिपल को आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे एक पर्सन है, जॉन को ही हम ले लेते हैं। अब जॉन है, जॉन ने क्या किया, अपनी गुड्स जो थी उसका वैल्यूएशन करवाया, ठीक है। गुड्स का ही 50,000 रुपये की गुड्स थी उसके पास, माल था उसके पास, लेकिन उसने उसका बीमा कितने का करवा लिया, 70,000 का। अब क्या होता है कि जो वो सारी की सारी गुड्स हैं वो ख़राब हो गई, नुकसान हो गया, बाढ़ में बह गई। अब कंपनी कितना पे करेगी, उसने तो 70,000 का बीमा करवाया था लेकिन गुड्स कितने की थी, 50,000 की। जॉन ने क्या सोच के कराया था कि मैं 70,000 का बीमा कराता हूँ, कल को गुड्स ना रही तो मुझे 70,000 मिल जाएंगे, 50,000 का तो नुकसान था और 20,000 का उसको फ़ायदा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ कितना पैसा देगी, 50,000 रुपये उसकी एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने कम का बीमा कराया है ना, फिर कंपनी कम ही पैसे देगी। मान लीजिए कि अब उसकी 50,000 की गुड्स थी और उसने बीमा करवाया सिर्फ 30,000 का, ठीक है। अब सारी की सारी अगर गुड्स ख़राब हो गई, फ्लड में बह गई, तो कंपनी कितना कंपनसेट करेगी, 30,000 रुपये, ना कि 50,000। मतलब कंपनी ने एक्चुअल देखना है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा वो कभी भी नहीं करेगी। जितना आपने बीमा करवा रखा है या तो वो, या फिर जितनी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, दोनों में से जो भी कम होगा उतना जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेट करती है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे एक ही चीज़ के ऊपर कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है। जैसे कि एक मकान है तो उसके ऊपर कई जगह से हमने, एक कंपनी से भी ले ली, बी से भी ले ली, सी से भी ले ली। लेकिन होगा क्या, आप कितनी भी मर्जी ले लें, जितना लॉस हुआ है लॉस से ज़्यादा तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपको मिलेगा लॉस से जितना ही, चाहे वो आप एक कंपनी से ले लो, दो से ले लो, या दोनों से प्रोपोर्शनेटली ले लो, अनुपात में ले लो। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल भी दिया है एक कि राज है, उसके पास 5,00,000 रुपये की प्रॉपर्टी है। उसने क्या किया कि इंश्योरेंस ले लिया एक कंपनी से 3,00,000 का, ठीक है, और बी कंपनी से लिया उसने 1,00,000 का। अब उसे नुकसान हो गया 3,00,000 का, तो अब याद क्या कर सकता है, या तो वो एक ए कंपनी से ले सकता है या वो ए और बी से दोनों से मिलाकर ले सकता है, लेकिन लेगा मैक्सिमम कितना, सिर्फ और सिर्फ 3,00,000 का ही लेगा, 3,00,000 से ज़्यादा नहीं ले सकता।
अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन क्या है? सबरोगेशन है, एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि जब आपको कोई चीज़ आपकी थी वो डैमेज हो गई, अब डैमेज हो गई जब कंपनी ने उसे कंपनसेट कर दिया है, तो अब उस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार है? इंश्योरेंस कंपनी का। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे कि राम है, राम ने क्या किया कि एक गाड़ी थी उसके पास, कार थी, उसने एक उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब होता क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जो थी वो टोटली डैमेज हो गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल। अब क्योंकि गाड़ी का फुल इंश्योरेंस था, तो कंपनी ने क्या किया, जो इंश्योरर था उसने पूरा का पूरा पैसा, जितने की पॉलिसी थी उतना सारा पैसा उन्होंने गाड़ी वाले को दे दिया। गाड़ी वाला कौन था? राम। अब जो उसका स्क्रैप था, राम सोचता है मैं स्क्रैप को भी बेच के पैसा ले लूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब स्क्रैप पे किसका अधिकार है? स्क्रैप पे इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार है। अब स्क्रैप इंश्योरेंस कंपनी बेचेगी, उससे जो पैसा मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी रखेगी, ठीक है? तो ये क्या है हमारा? सबरोगेशन। नेक्स्ट आता है लॉस मिनिमाइजेशन, या जिसे आप कह सकते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको वो सारे स्टेप्स उठाने चाहिए कि जिससे लॉस कम से कम हो। ये नहीं कि भाई आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो आप सेफ हो गए, भाई हाँ ठीक है अब हमें तो बीमे से पैसा मिल ही जाएगा, अब हमने तो कोई सेफ्टी नहीं रखनी। आप भरे बाजार में, आप बीच में, आप अपना गोडाउन में माल रखते हैं, अब आपने इंश्योरेंस करवा लिया तो अब आप तो गोडाउन को खुला छोड़ दो, तो फिर चोर आएंगे तो ले कर चले जाएंगे, फिर आपका चोरी का बीमा मिल जाएगा, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना है कि सारे के सारे वो स्टेप्स उठाने हैं जो लॉस को कम करने के लिए होते। अगर लॉस होने भी लग रहा है तो उस वक्त भी आपको वो स्टेप उठाने हैं कि जैसे कि आप जिससे लॉस को कवर अप कर सकें। जैसे क्या है कि राम है, राम ने क्या किया, अपने घर का बीमा करवा लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब उनके घर में क्या होता है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया तो देखो कितना धमाका होगा, बम की तरह फूट जाता है वो। अब बम फूटने से क्या होगा कि घर जल गया, सिलेंडर बम बन गया ना, तो घर जल गया। अब वो क्या सोचे कि भाई मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे सारा पैसा दे जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसे क्या करना चाहिए कि वो तभी फटाफट से फायर स्टेशन में फ़ोन करे कि भाई आओ जल्दी से, आग लग गई है, इसको बुझाओ, ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो जाए, ठीक है? इन द लास्ट इज कासा प्रोक्सीमा, या इसे आप कह सकते हैं प्रोक्सीमेट कॉज। कासा प्रोक्सीमा का क्या मतलब होता है? नियरेस्ट कॉज, सबसे पास का कारण। कभी भी जब हमारा कोई एक्सीडेंट होता है या जब इंश्योरेंस कंपनी देखती है, तो वो ये देखती है उस क्लोज में कि भाई जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाया गया था वहाँ पे, जब आपका कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो नियरेस्ट कॉज उसका क्या है, कि सबसे पास का कारण क्या है उस चीज़ को नुकसान होने का। अगर वो पास का कारण ऐसा है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जैसे एक समुद्री जहाज़ था, उसमें एक छेद हो गया, समुद्री जानवरों ने क्या किया, उस पर बार 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 टक्कर मारते रहे, तो उससे उसमें क्या हो गया? छेद हो गया। अब छेद से छेद हो गया तो छेद में से तो पानी ऊपर आ जाएगा, छेद होने से जहाज़ में पानी भर गया। अब जहाज़ में पानी भर गया तो जो उसमें रखा हुआ माल था वो सारा का सारा क्या हो गया? ख़राब हो गया, ठीक है? अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है भाई मैं तो पैसे नहीं देंगे हम तो, क्यों? क्योंकि भाई आपका तो छेद में कारण हुआ है ना। लेकिन नहीं, नियरेस्ट रीज़न वहाँ पर क्या था? पानी भरना। पानी भरने से माल ख़राब हुआ था ना, है ना? तो वहाँ पे फिर क्या होगा कि कंपनी को जो है वो क्लेम पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चों ये थे हमारे, इसके क्या हैं प्रिंसिपल्स थे, जिनको आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जब आप इंश्योरेंस को समझना चाहते हैं ना, तो आपको इन प्रिंसिपल्स को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट में हम अपना नेक्स्ट सेशन में जो है आगे की चीज़ें करेंगे। आई होप आपने आज का सेशन बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था और आगे इसमें अभी बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल।